हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे जी। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ छत में। तो आज का व्लॉग है यहीं का, छत की सफाई का है भाई। अब घर का सफाई हो गया, पंखे की सफाई हो गई, तो छत की सफाई भी तो बहुत ही ज़रूरी है ना। वो भी तो अहम हिस्सा है समझिए घर की। छत की सफाई होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ, देखिए, झाड़ू लेकर, और अपने जो छत है उसको झाड़ने के लिए लग गई हूँ यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी डस्ट था। पता नहीं, अभी कुछ दिन पहले भी मैं झाड़ू लगाई थी, फिर भी बहुत सारा सारा डस्ट आ जाता है कहाँ कहाँ से उड़ उड़ के सब। और यहाँ तो क्या है ना, पंख वगैरह भी उड़ के आ जाता है, पैरा है, धूल है, सब तो छत के ऊपर में ही आता है पूरा। तो काफ़ी सारा डस्ट हो गया है। तो मैं सोची अब सब तरफ की सफाई हो चुकी है तो यहाँ पर छत का भी कर देते हैं, फिर हमारा जो कंप्लीट हो जाएगा साफ़ सफाई का, दिवाली की सफाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, घर का मस्त पोछा वगैरह जो भी है वो लगा देंगे। तो यहाँ पर जो क्या था, ये क्या बोलते हैं इसको, मनी प्लांट, जी हाँ मनी प्लांट था। वो मनी प्लांट को मैं उस साइड में रख दी हूँ अब। और यहाँ का जो सामान रखी थी, छोटा मोटा गमला जैसे रखी हूँ मैं, वो सबको मैं अब इस साइड में कर रही हूँ। और तुलसी मैया का है, वो सारी चीज़ों को, पौधे को मैं इस साइड में कर रही हूँ। अब क्या, अलग अलग हर जगह, हर दिन, हर टाइम में ना बदलते रहती हूँ मैं। परिवर्तन ज़रूरी है ना लाइफ में, परिवर्तन ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं सबको इस साइड में कर रही हूँ, पहले उस साइड में था, तो क्योंकि उधर भी काफ़ी डस्ट है, कुछ चीज़ सामान रखा रहता है तो वहाँ पर किनारे किनारे में बहुत सारा डस्ट जमा हो जाता है। तो मैं सोची अब इसको हटा रही हूँ, मतलब हटा ही देती हूँ, ताकि मेरा जो वहाँ का डस्ट है वो भी साफ़ हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर तुलसी मैया को यहाँ पर साइड में ला के रख दी हूँ। और इधर देखिए, यहाँ पर ईंटा वगैरह है, और देखिए कितना सारा गंदा पूरा डस्ट जो है जमा हो गया है। तो वो सबको भी मुझे साफ़ करना है। और ये ईंट को ना अब मैं वहाँ पर ऊपर में रख देती हूँ, साइड कॉर्नर में। ये देखिए, यहाँ पर साइड में यहाँ पे रख देती हूँ ईंट को जमा के अच्छे से, ताकि वो नीचे ना गिरे। हालांकि वो नीचे नहीं गिरेगा, स्पेस है वहाँ पे। तो और ये देखिए, अब साफ़ सुथरा में वहाँ पर रखा गया है। फिर कभी सब छत को सफाई होगी ना, तो फिर अपना कर लूँगी इधर उधर। तो यहाँ पर देखिए कितना धूल उड़ रहा है यहाँ पे, और सुबह सुबह का टाइम है तो धूप भी बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम सुबह तो नहीं है, फिर भी हो गया है 10, 10:30, 11 बजे के आसपास ही मैं कर रही हूँ, मतलब अपने घर का जो काम करने के बाद ही कर रही हूँ ये वाले काम को। क्योंकि भाई जाना है इधर अपना दुकान वगैरह, तो नाश्ता बनाकर तो देना ही पड़ेगा। तो पूरा नाश्ता वगैरह का काम हो चुका है मेरा, उसके बाद यहाँ पर आई हूँ मैं छत की सफाई के लिए। और अभी जो है श्रेयु गया है नीचे में, वो खेल रहा है नीचे में अभी। तो मैं सोची अपना फटाफट से सफाई भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से झाड़ू लगा रही हूँ मैं क्लीन। ये जैसे क्लीन हो जाएगा तो सारा घर मेरा क्लीन हो जाएगा। आप लोगों को मेरा बाकी सारा ब्लॉग, दीपावली की सफाई वगैरह कैसी लगी ब्लॉग, आप लोग मुझे बताइएगा प्लीज़। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और वीडियो वगैरह तो मैं काफ़ी अच्छे से बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और अभी मैं यहाँ पर जो कैमरा है ना, उसको दीवार के पास में रखी हुई हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी स्टैंड वगैरह कुछ है नहीं, और मैं ख़रीद भी नहीं रही हूँ, क्योंकि मेरे वीडियो में तो अभी उतना ज़्यादा खास आ नहीं रहा है व्यू वगैरह। तो अभी मैं ख़रीद भी नहीं रही हूँ, क्योंकि पैसा वेस्ट करने से क्या मतलब है। इसलिए जैसे ही वीडियो अगर अच्छे से चलने लगे, सब अच्छे से हो, तब फिर मैं अपना जो भी है वो लूँगी। अभी मतलब मेरे पास जो सेल्फी स्टिक थी ना, वो भी टूट गई है, श्रेयु तोड़ दिया है तो वो भी टूट गया है मेरे पास। तो सेल्फी स्टिक भी नहीं है मेरे पास में, बस ऐसे ही दीवार के पास टिका के रख देती हूँ, और अपना वीडियो जो है मैं बनाती हूँ। जो सही है वो सही है, अब क्या है। और यहाँ पर जो है ना, नल जो है टूट गया है, तो पानी लीकेज हो रहा है यहाँ पे, तो उसको ना मेरे को हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही उधर की सफाई होगी। बाकी मेरा जो छत है, इतना बड़ा सा छत है, वो पूरा साफ हो गया है। और यहाँ पर ना रोटी है, कौवा लोगों को जो मैं रोटी दी थी ना,
वो छोटा छोटा रोटी जो है टुकड़ा है वो सब बच गया था, और दाना वगैरह जी दी थी उसको, तो वो सबको ना मैं साफ़ कर रही हूँ। ये पानी की टंकी है ना, उसमें भी था छोटा छोटा रोटी वगैरह सबको, तो उसको भी मैं झाड़ू से अच्छे से साफ़ कर दी हूँ। भाई कर रही हूँ तो पूरा ही करूँ, साफ़ तो कर दी हूँ। और वहाँ पर देखिए एक सीमेंट का टंकी रखी थी ना, उसको भी मैं हटा दी हूँ क्योंकि पानी लीकेज हो रहा है। तो और देखिए कितना सारा पंखुड़ी है वहाँ पे ना, वो कौवा का है पूरा गिरा हुआ है। और ये देखिए डस्ट कितना सारा निकला है, कितना धूल निकला है, देख रहे हो, कौवा बीट वगैरह सब कर दिए हैं। और यहाँ पर देखिए रोटी वगैरह खाकर पानी पीते हैं करके रखी थी उसको, तो मैं तो यहाँ पर पूरा सफाई हो गया है। और अब देखिए फाइनल मेरा छत जो है कितना क्लीन दिख रहा है, नीट एंड क्लीन दिख रहा है अपना, काफ़ी अच्छे से सफाई कर दी हूँ ये देखिए। और कभी टाइम मिले तो फिर मैं पानी से धो भी दूंगी उसको, अगर टाइम मिले तो। बाकी तो मेरा पूरा छत जो है सफाई हो गया है, और यहाँ पर पूरा कचरा जो है मैं उठा ली हूँ, और देखिए यहाँ पर क्लीन हो गया है। तो चलिए अभी इस वीडियो को बस यहीं पर एंड करती हूँ। मेरे वीडियो में कैसा लगा है आपको मेरा वीडियो आप लोग बताइएगा। और श्रेयु भी आ गया है देखिए, अभी यहाँ पर खेल रहा है वो, दिया से जय कर रहा है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा मुझे, और ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।